तो मैं ये बता रही थी आपको कि फेरो फेरी एंटी फेरो, इसको एक बार बुक से इनकी डेफिनेशन देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बता देती हूँ, देखो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो होते हैं जो जितने भी सब्सटेंसेज हैं इनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डायपोल बने होते हैं। ये छोटे छोटे डायपोल क्या है, मेटल के छोटे छोटे डोमेन हैं जो एज अ मैग्नेट काम करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब हम कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे डायपोल हैं जो टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करेंगे, वो अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल थ्री हैं, थ्री यूनिट हैं, तो तीन के तीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेंगे। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ यू इसका एग्ज़ाम्पल हो गया, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर आता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक इससे रिवर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके अंदर डोमेन है फोर, चार छोटे छोटे मेटल के एटम्स हैं या यूनिट्स हैं जो टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम कर सकती हैं। तो जो ये फोर डोमेन्स हैं ये क्या करेंगे, दो तो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेंगे आप अपने आप को, और दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इतनी प्रोनाउंस्ड नहीं होती, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक होता है जिसमें इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पांच डाइपोल हैं एंटी फेरी मैग्नेटिक में, तो कुछ ने तो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट कर लिया, किसी ने अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो तो नहीं होता लेकिन फेरो से कम होता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर इन तीनों में किसका होगा, फेरो का, फिर फेरी का, और सबसे कम होगा एंटी फेरो का। यहाँ इनकी डेफिनेशन करनी है इन तीनों की और इनके एग्जाम्पल। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें अगर आए, ये जनरली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। मेटलिक नेचर होता है इनका और ये हार्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें क्या आएगा पॉइंट कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो MM बॉन्ड होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, ठीक है। स्ट्रोंग होगा तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेल्ट भी जल्दी होगी वो लैटिस, ठीक है। स्ट्रोंग लैटिस होती है इनकी, स्ट्रोंग MM बॉन्ड होता है। और इसी से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेल्टा एच एटोमाइजेशन। डेल्टा एच एटोमाइजेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक MM बॉन्ड, क्योंकि MM बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, उनकी डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। रीजनिंग ज़रूर करनी है, ये 1-1 मार्क्स में आती है। डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है इनकी बिकॉज दे हैव लो वॉल्यूम और हाई मास। लो वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम n-1d इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, तो साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है एक तरीके से, वॉल्यूम कम हो जाती है। लो वॉल्यूम हाई मास, डेंसिटीज हाई। अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर डाइवेलेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट ए विद एटॉमिक नंबर 25। इसी का पैटर्न वाला क्वेश्चन मैंने एफ ई के लिए सोल्व करवाया, इसको खुद करके देखना, ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास डाइवेलेंट स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो डाइवेलेंट जहाँ आ जाए मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका आंसर है मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d5 4s 0, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, जो मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी डी ऑर्बिटल में, तो इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये निकाल सकते हैं। अच्छा अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्ट है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे अराइज होती है, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एन माइनस वन डी और एन एस ऑर्बिटल होता है वैलेंस में। तो ये क्या होता है, इन दोनों में जो है एनर्जी गैप क्या होता है, लो है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के वक्त ये एन एस के भी यूज़ कर सकते हैं और एन माइनस वन डी के। और जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन, तो उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जैसे ये एन एस टू में है, अगर यहाँ ऐसा होता कि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता तो सिर्फ इनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, वैलेंस में रहेगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से ही लूज़ होता, प्लस वन या प्लस टू आती। लेकिन ऐसा नहीं होता, इन दोनों में एनर्जी गैप क्या है, वेरी लो, तो यहाँ से भी लूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी लूज़ कर सकते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा। इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ऐसा ही बुक में है, वो आप देख लेना। देखो ये डायग्राम, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप पॉइंट लिख रहे हो तो वहाँ बनाना ज़रूरी है। जैसे स्कैंडियम है 3d1 4s2, हाँ, एक ट्रांजिशन एलिमेंट में 3d सीरीज़ में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू के अलावा अप टू मैंगनीज, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो होंगी जितने उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे +2 +3, मतलब अगर सारे लूज़ कर दे तो। ऐसे यहाँ पे +2 सारे लूज़ करेगा तो +4, एक डी से लूज़ करेगा तो +3, ये ऐसे इंक्रीज हो जाएगा मैंगनीज तक, 5 + 2 = 7 है तो 7 तक चली जाएगी, +2 +3 +4 +5 +6, उसके बाद फिर से डिक्रीज होती आ जाएगी। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि जब +3 होगा तो ये 3d0 4s0 चला जाएगा, लेकिन अगर +2 लेंगे तो 3d1 4s0, जो कि कम स्टेबल है। तो ये याद रख लेना, ये पॉइंट याद करने वाला है कि स्कैंडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है +3, बाकी सब के लिए है +2। और 3d सीरीज़ में मैंगनीज है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7। और अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और कौन सा एलिमेंट शो करता है 3d सीरीज़ के लिए, ये हर एक सीरीज़ के लिए अलग अलग है, तो 3d सीरीज़ के लिए मैंगनीज है और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ये याद कर लेना। अच्छा, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसानी से करवा सकते हैं फ्रॉम ns एज वेल एज n-1d, यहाँ से लूज़ करवा सकते हैं, यहाँ से जितनी पॉसिबिलिटीज़ लूज़ करने की होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होंगे। जनरल अप टू मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने बता दिया। अब एक ये पॉइंट है, ये आता है एग्ज़ाम में कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जस्ट लाइक +1 +2 +3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो किन लिगेंड्स के साथ ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो जो लिगेंड है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन या फ्लोरीन एटम है, ठीक है, तो उन केसेस में ट्रांजिशन मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होती है। इसका रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एटम, ठीक है। और इसको डिटेल में हम, अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट के, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज़ इनकम्प्लीट, अभी इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपको रिवाइज क्या करना है, एटॉमिक रेडियाई, अलॉय फॉर्मेशन, और क्या किया है, मैग्नेटिक बिहेवियर किया है, डेंसिटी की है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किए हैं, यही टॉपिक किए हैं। कल हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंप्लीट करेंगे और एक हमारा जो है इसके बाद कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम कल कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।